शहर में भले ही रात में जगह जगह पुलिस के नाके लग रहे हैं, लेकिन अपराधियों में वर्दी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बुधवार रात 9 बजे बापू धाम के पास मध्य मार्ग पर एक व्यक्ति मौलीपीन निवासी वेद प्रकाश को कुल लुटेरों ने साइकिल से गिराकर बुरी तरह पीटा। उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले गए और फोन व पर्स छीन लिया। जब व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाने लगा तो सभी लुटेरे भाग गए। एक राहगीर ने 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी, मौके पर बुलाया और शिकायत पर केस दर्ज किया। पीड़ित ने बताया कि वह रात को काम खत्म कर घर को लौट रहा था, इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया। वेद प्रकाश ने बताया कि एक लुटेरा तो चाकू निकालकर मारने वाला था, लेकिन हाथ पैर जोड़कर मैंने जान बचाई। इसके बाद वे सभी भाग गए। देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 26 बापूधाम के साथ लगते ट्रांसपोर्ट एरिया के कुछ ही दूरी पर एक युवक के साथ स्नैचिंग का मामला सामने आया। वो शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं पूरा क्या कुछ मामला। सर, मैं तो सेक्टर 19 में जॉब करता हूँ और रूटीन अपना अप डाउन इसी रास्ते से करता था और मुझे नहीं पता था। एकदम अचानक मैं चलते साइकिल से दो युवक आए और मुझे धक्का दे के जमीन पे गिरा दिया और थोड़ा दूर ले गए 10 कदम आगे ले जाके वहाँ पे तीन और हो गए, 5 हो गए टोटल। और फिर उन्होंने मेरा पर्स छीन लिया अंधेरे में और मेरा मोबाइल छीन लिया। और जब मैं शोर मचाने की कोशिश करी तो कह रहे मार इसको, चाकू मार दो इसको, चाकू मार दे। मैंने कहा जो सामान ले जाना मेरे ले जाओ, पर मेरी जान छोड़ दो, मेरे को बख्श दो। फिर मैं वहाँ से निकल के आया हूँ, मेन सड़क पे मैं हेल्प मांगने लगा लोगों से काफ़ी देर तक, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं, मेरी बात नहीं किसी ने सुनी और सभी लोग साइड से निकल के चले गए। लेकिन एक बेचारा कोई युवक था, वो अपने ऑटो से जा रहा था कहीं पिंजौर, वो आया उसने कहा क्या हुआ। मैंने भाई साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप अपना मोबाइल से मेरे को 100 नंबर डायल कर दीजिए कि पुलिस को सूचना देना है। की मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है, जल्द ही उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।